अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। साबिक़ वज़ीर सिंगे रेड्डी निरंजन रेड्डी ने लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस के वादे के बरअक्स तेलंगाना में बीआरएस एमएलसी और एमएलएस को कांग्रेस पार्टी में शामिल करने के पस मंजर में मुल्क के अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी को एक खुला खत लिखा है। आईन हाथ में पकड़कर राहुल ने क्या कहा, उन्होंने कहा है कि तुम क्या कर रहे हो। राहुल गांधी बीआरएस के एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से मुसाफिहा करते हुए एक हाथ में आईन पकड़े हुए और दूसरे हाथ में हलफ ले रहे। जमहूरी हुकूमतों का तहफ्फुज़ और एहतराम हमारी जिम्मेदारी है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम पटन गुलजार अहमद ने स्पेशल ब्लॉक संघपुरा में संपूर्णता अभियान प्रोग्राम का इफ्तिताह किया, जो खत्ते की समाजी और इक्तसादी तरक्की में एक अहम संग मील है। इस इकदाम का मकसद सेहत की देखभाल, तालीम, गजाइत और बहुत कुछ समेत समाजी शोबे के 6 अहम अशारियों में 100% सैर हासिल करना है। इस मुहिम में ख्वाहिशमंद ब्लॉक संघपुरा का इहाता किया जाएगा और ये नीति आयोग के जरिए शुरू किए गए बड़े संपूर्णता अभियान प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसमें मुल्क भर में 112 ख्वाहिशमंद अजला और 500 ख्वाहिशमंद ब्लॉक फैले हुए हैं। बेसिकली हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी ठीक करे नीति आयोग है, के लिए हमने ये एक नीति आयोग में एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। ऑब्वियसली जो फंक्शनरीज है, जो बेसिक हमारी हेल्थ की हो, ICDS की हो, RDD की इनॉग्रेटिंग दिस फंक्शन दैट सर विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में जस्टिस हैज टू बी मेड जस्टिस हैज टू अरेंजमेंट्स वी आर हाईली थैंकफुल टू यू थैंक यू वेरी मच। जितने भी इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाए गए थे उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। और यहां पर आप बाद सभा के मार्ग अब यहां पर आ गए, बीनी बीनी खुशबू से अतराफ को महला गए। तो आज रिवायत ट्रेडिशनल रुख कश्मीरी रुख पेश करेंगे। जीएचएमसी में मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों की मुकम्मल रोकथाम में एंटोमोलॉजी एक अहम रोल अदा करती है। जीएचएमसी कमिश्नर अमरापरी के हुक्म पर मच्छरों से बचाव के लिए कई स्कूलों में बड़े पैमाने पर बेदारी प्रोग्राम मुनाकिद किए गए। मौसम में बरसात के पेश नजर पस मंजर में मच्छरों की अफजाइश का इम्कान ज्यादा होता है और मच्छरों की अफजाइश न हो खासकर तमाम स्कूलों में हर जुमे को नमाज के वक्त तलबा को आगाह किया जा रहा। जीएचएमसी कमिश्नर अमरापली ने कहा है कि स्ट्रीट लाइट्स की देखभाल में लापरवाही ना बरतें। कमिश्नर ने अपने चैंबर में ईएसएल के नुमाइंदों और एडिशनल कमिश्नरों के साथ स्ट्रीट लाइट्स की बहाली का जायजा लिया। इस मौके पर कमिश्नर ने कहा है कि रात को स्ट्रीट लाइट्स ना लगाई गई तो लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। फौरी तौर पर स्ट्रीट लाइट्स लगाने का हुक्म दिया गया है। शहर में अंधेरे के बगैर कार्रवाइयां की जाए और बारिश के मौसम के पस मंजर में फौरी मरम्मत की जाए और अंधेरे के बगैर कार्रवाइयां होनी चाहिए। सेक्रेटरी हेल्थ मेडिकल एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ने डेंगू, मलेरिया, गैस्ट्रो एंट्राइट्स और वायरल बुखार जैसी मौसमी बीमारियों से मुतालिक सूरत हाल और तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान शोबेजात के सरबराहान हेल्थ मेडिकल एंड फैमिली वेलफेयर RV कर्नन, IAS कमिश्नर सेहत और खानदानी बहबूद M प्रशांति, IAS डायरेक्टर महकमे आयुष डॉक्टर बी रविंद्र नायक, डायरेक्टर सेहत आमा और खानदानी बहबूद डॉक्टर वानी, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर शेवा लैला, डायरेक्टर IPM भी मौजूद थे। बीजेपी के बानी जिन्होंने मुसलसल ये कहकर कौम को कौमी बेदारी के लिए छोड़ दिया कि मुल्क में एक पॉलिसी, एक वजीर आजम, एक निशान हो। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की योम पैदाइश के मौके पर BG कंकेश कुमार बीजेपी के सीनियर लीडरों की क्यादत में उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया और पौधे लगाए गए। उनकी माँ BG यलम्मा कारकुन विजय मलेश, प्रवीण मणिकोटा, शिवा और दीगर ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। यादगिर जिले कलेक्टर के दफ्तर के सामने मास्क पहनकर और मुख्तलिफ अखबारात में शाये होने वाले रेत कमेटी की मीटिंग की रिपोर्ट्स की जेरोक्स कॉपियां हाथ में लेकर खामोश एहतजाज किया गया, जिसमें गैर कानूनी रेत, शराब और मटका स्पॉटर को खत्म करने का मुतालबा किया गया है। कर्नाटक प्रदेश कुली समाज रियासती ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी उमेश के मदाना की क्यादत में एहतजाज के बाद उन्होंने एक अर्जी भी पेश की और इस पर बात की। ಈಗ ಮಳೆ ಬಂದದಂದು ಇಲ್ಲಿ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿವಿ, ಊರಿನಾಗ ಇಟ್ಟು ಹೊಲ ಮನೆಗೆ ಇಟ್ಟು ಕಡ್ಡಿ ಕಸ ಆಯ್ದು ಬಂದು ದನಕದ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದ್ರ ನಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನೀರು ಅಡಕಿಲ್ಲ,
ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲಿ ಬರ್ರು 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 ಅದು ಗಾಡಿ ಚಾಲು ದಳ್ಳಗತನ ಚಾಲೂರಿ ನಮ್ಮ ಅವ ರೋಡ್ ಸರಿಸಿ ಮನೆಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಮನಗವಲು ಏನ್ ಮಾಡಮ್ ರೋಡಿಗೆ ಕುಂದಿರ್ತೀವಿ ನಾಳೆದ್ದ ರೋಡಿಗೆ ಕುಂದಿರ್ತೀವಿ ಎಲ್ರ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಮ್ರಿ आदिलाबाद रुकन असेंबली पायल शंकर ने कहा है कि ये काबिले सताइश के नौजवान सामाजिक खिदमत के प्रोग्राम में आगे बढ़ रहे। हफ्ते के रोज रुकन असेंबली पायल शंकर ने मुकामी आदित्या खंडे शिखर सोसाइटी के ज़र अहतमाम मुनक़िदा तकरीब बतौर मेहमान खसूस शिरकत करते हुए आदित्या खंडे शिखर सोसाइटी की एम्बुलेंस सर्विस का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मरीजों की सहूलत के लिए एम्बुलेंस की फराहमी काबिल सताइश है। उन्होंने कहा कि आदित्या खंडे शिखर सोसाइटी के मेम्बरान मुसलसल अवामी खिदमत कर रहे। आदित्या खंडेश्वर सोसाइटी की जानिब से ख्वातीन के लिए टेलरिंग मशीन, माजरों के लिए व्हील चेयर और कम्बल की तकसीम, आबदार खाने और हंगामी हालात के दौरान गरीबों को माली मदद फराहम करने जैसे खिदमती प्रोग्राम चला रहे हैं। समाज सेवलो नेनु सैतं मुंदुंटानी अनेकमैनटुवंटि सामाजिक सेवलो ओक सेवा दृक्पथंतो आदित्य खंडेश्वर सोसाइटी द्वारा आदित्य निर्वहिस्तुन्नटुवंटि अनेकमैनटुवंटि सेवा कार्यक्रमालु इप्पटिकी आदिलाबाद लो आपद समयंलो मनिषि मनिषिकी सहायं चेयडमे मानवत्वमने आलोचनतोनि आयन मुंदुकु सागुतुन्नटुवंटि विधानान्नि नेनु मनस्फूर्तिगा अभिनंदिस्तानु। आपद समयंलो पेदलकु ఆసుపత్రి నుండి హైదరాబాద్ కు మిగతా నాగపూర్ మిగతా యవత్మల్ ప్రాంతాలకు అంబులెన్స్ కిరాయి తీసుకొని వెళ్ళాలంటే వేలకు వేల రూపాయలు కిరాయి పెట్టి తీసుకొని పోలేనటువంటి పేదలకు ఈ రోజు ఆదిత్య కండేశ్వర సొసైటీ ద్వారా ఒక అంబులెన్స్ ఉచితంగా ఏర్పాటు చేయడం పేదలకు ఎంతో కొంత సహాయం చేసిన వాళ్ళమైన మనిషిగా మనం ఉన్నప్పుడు ఆ భగవంతుడు మనకు అన్ని రకాలుగా మనల్ని సుఖ సంతోషాలతో ఉంచినప్పుడు మన యొక్క ఆలోచన విధానం కూడా పక్కవారికి ఏదైనా ఆపద వస్తే ఆదుకునే విధంగా మన ఆలోచన ఉండాలి। ఈ సందర్భంగా మిగతా మానవతావాదులందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను, మన కుటుంబాల గురించి మన గురించి ఎప్పుడు కూడా ఆలోచిస్తాం కానీ ఏ సంబంధం లేనటువంటి పేదవాళ్ళ గురించి కూడా ఒకసారి ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది। ఇప్పటికే ఎన్ని అంబులెన్సులు ఆదిలాబాద్ కు వచ్చినా కూడా బేగంపేట్ హరిత టూరిజం ప్లాజా మే బునాల్ ఉత్సవ్ కే తహత్ ఇంతజామాత్ సే ముతల్లిక్ చెక్స్ కీ తక్సీమ్ మే రియాసతి ట్రాన్స్పోర్ట్ బీసీ వెల్ఫేర్ హైదరాబాద్ జిల్లా ఇన్చార్జ్ వజీర్ పూర్ణ ప్రభాకర్ ఔర్ రియాసతి దేవదయా వజీర్ కొండా సురేఖా మెహమాన్ ఖుసూసీ మౌజూద్ రహే। ఇస్ మౌకే పర్ వజీర్ మౌసూఫ్ నే కహా కి తెలంగాణా బునాల్ మేళా హర్ సాల్ మునక్కద్ కియా జాతా హై ఔర్ రియాసతి హుకూమత్ నే ఇస్ సాల్
मोनाल त्यौहार के इंतजाम के लिए गुज़श्ता साल के मुकाबले 20 करोड़ से ज्यादा फंड्स मुख्तस किए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले शानदार तरीके से मुनक़द किए जाएंगे। मरकजी लेबर सेक्रेटरी ने हैदराबाद में रोजगार और मजदूरी असलाहत पर सनती बातचीत में शिरकत की। समिता दावरा सेक्रेटरी वजारत मेहनत और रोजगार, हुकूमत हिंद, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री तेलंगाना और एम्प्लॉज फेडरेशन के जर अहतमाम रोजगार और मजदूर असलाहत पर बातचीत में शिरकत के लिए हैदराबाद होटल ट्राइडेंट पहुंचे थे। साबिक एमपी वी हनुमंत राव, जिन्होंने जगजीवन राम के मुजस्मे को उनकी मौत के यानी कि बरसे के मौके पर खराज अकीदत पेश किया, उन्होंने भी गांधी भवन में जगजीवन राम की तस्वीर को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर कायदीन कुमार राव, कैलाश चेरागुंडा, वेंकटेश व दीगर मौजूद थे। साबिक वजीर शंकर राव ने कहा है कि गांधी खानदान ने मुल्क की सालमियत के लिए कुर्बानियां दी। राहुल गांधी ने जात पात, मजहब और जुबान से बालातर होकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर किया। रविंद्र रेड्डी के पीसीसी का चार्ज संभालने के 3 साल मुकम्मल होने के मौके पर तेलंगाना में इख्तदार में आने की इनकी कोशिशों के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। इलेक्शन में दी गई 6 में से 5 जमानतों पर अमल दरामद हो चुका है, एक और गारंटी अगस्त में लागू होने जा रही। सीबीआई के रियासती सेक्रेटरी और लेजिस्लेचर पार्टी लीडर कोनानैनी सांबशिवराव ने कहा है कि वो संगरनी को बचाने के लिए मुख्तलिफ तरीकों से तहरीक जारी रखेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो वो तेलंगाना बंद की कॉल देंगे। तेलंगाना रियासती हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी समझकर उनकी हिमायत करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि मरकज में बीजेपी की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज करने की जरूरत है, जो मुल्क की दौलत को बड़े कॉरपोरेट के साथ बांध रही। हैदराबाद लकड़ी का पुल संगरनी भवन के सामने बाएं बाजू की जमातों की क्यादत में एक धरना मुनक्द किया गया, जिसमें मुतालबा किया गया कि कोयला नीलामी को मनसूख किया जाए और कोयला ब्लॉक्स को बराह रास्त संगरनी कॉलरीज के हवाले किया जाए। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी कोनानैनी सांबशिवराव ने दोनों तेलुगु रियासतों के वज़राए आला से अपील की है कि वो भद्राचलम के करीब 5 गाँव तेलंगाना को वापस करने के लिए मुस्बित इकदाम करें। वेचुकोला, पाडू, कनई, गुड़म, एटापाका, गोंडला और पोरू शो तामा पट्टनम गांव को तेलंगाना में मुंतकिल किया जाए। उन्होंने कहा है कि भद्राचलम में सीतारामा स्वामी मंदिर से मुतालिक देवदया अराजी इन गांव में है और तेलंगाना से मंदिर आने के ख्वाहिशमंदों को भी उन 5 गांव से गुजरना पड़ता है जो इस वक्त एपी में है। मौजूदा एपी के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने, जो कि 9 साल तक मुतहदा आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने उनसे तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात के दौरान बड़े दिल के साथ तेलंगाना को 5 गांव देने पर मुस्बित जवाब देने को कहा है। उम्मीद आंध्र प्रदेश राष्ट्र विन तरह प्राटे प्रजु रेष्ट्र इध भौगोलिक आंध्र विन तप तेना प्रजानीक वैषम्य अवसर लेकिन सेंटिमेंट पनचे आ सेंटिमेंट यांटी आंध्र वो प्रयत्चार तद्वारा वे फल राष्ट्र विना अब मोदी राज्य विरुदे दिन मैं सेंटिमेंट ने कड़का वीडा सेंटिमेंट तात्कालिक अंत का जीवन तेलंगा सेंटिमेंट केसीआर वा सेंटिमेंट पे क्या सैकंड आईना जगनमोहन रेड्डी वाल सेंटिमेंट वा आज नैक्स्ट आगे वे कदा अंत सेंटिमेंट तात्कालिक तप अभी शाश्वत राजकीय परिष्कार का फर्स्ट टाइम रेंडु राष्ट्र मुख्यमंत्री चंद्रबाबु नायडु गारु आंध्र प्रदेश नुंचि रेवंत रेड्डी गारु तेलंगाण नुंचि इद्दरु कलिसि कलबोतुन्नारु इदि ओक शुभदिनम् రెండు రాష్ట్రాల్లోని ముఖ్యమంత్రులు చూడాల్సిన ఏంటంటే తెలుగు మాట్లాడే ప్రజానీకానికి క్షేమం కోరాలి, వైషమ్యం ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవరి రావాల్సినటువంటి వాళ్ళు న్యాయబద్ధమైనటువంటి డిమాండ్ సాధించుకోవాల్సిందే. అదేవిధంగా కేంద్రంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ రెండు రాష్ట్రాలు వాళ్ళు కలిసి గట్టిగా ఆందోళన చెప్ప ఈ విభజన చట్టాలు ఉన్నటువంటివి అమలు కావు అనేటప్పుడు ఇద్దరు కలిసి అన్యాయంగా మాట్లాడుకోవడం, ఎవరి హక్కులను వాళ్ళు కాపాడుకుంటాం, ఎవరి రైట్స్ వాళ్ళు కాపాడుకోవచ్చు, తప్పేం లేదు. అదే సందర్భంలో పట్టు డిపులతో పరిష్కారం చేసుకుంటే మంచిది. ఇది ఒక విధంగా ఇప్పుడు పోలవరం సమస్య ఉంది, నిజమే. మద్రాసులో మునికి మాకు దారి కావాలని వాళ్ళు అంటున్నారు, పోలవరం కట్టాలంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాంతం కావాలంటున్నారు. ఇవి కూడా చర్చించుకోవచ్చు. ఇవన్నీ చర్చించుకోవడం ద్వారా సామరస్యంగా నీటి సమస్యలు అట్టే కానీ గతంలో ఉమ్మడి రాష్ట్రంగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ నీటి సమస్య ఉండేది, అయితే అంతర్గతంగా ఉండేది, ఇప్పుడు బహిరంగ వచ్చేసింది. ఈ సమస్య పరిష్కారం చేసుకోవాల్సింది. ఏదైనా సరే ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రులు సానుకూలమైన పదవి చర్చించుకుంటే మంచిది. అంటే ఒకటి చూడొచ్చు, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రికి కత్తి మీద సాగు లాంటిది. ఇది ఏమాత్రం ఏది మాట్లాడినా ఓ ఆంధ్ర ద్రోహం చెప్పేసి రెచ్చగొట్టే వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ, దానికి భయపడాల్సిన పనిలే. కేవలం రెచ్చగొడితే నా సమస్య పరిష్కారం కాదు. దానికి భయపడకుండా తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కూడా ధైర్యంతో
అదే కానీ ఆంధ్ర రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కూడా పట్టుబడులతోటి పనిచేసుకుంటే పరిష్కారం అవుతుంది. కొంతమంది ఏదైనా సరే పరిష్కారం చేసినప్పుడు కొంతమంది సెంటిమెంట్స్ రచ్చగొట్టేవారు ఉంటారు, కొంతమంది చెడగొట్టేవారు ఉంటారు. అవన్నీ మనం పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఉభయ రాష్ట్రాలకు ఉన్న తెలుగు ప్రజలకు ఉపయోగపడాలి. కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి విభజన చట్టంలో హామీలను అమలు చేసుకోవాలి. దీనికోసం ఫైట్ చేయమని చూసి నేను కోరుతా ఉన్నాను. रियासती वजीर इजरात वेरुल्लू उत्तमला नागेश्वर राव, सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी नारायणा, सीपीआई नेशनल वर्किंग कमेटी के अरकान पुला वेंकट रेड्डी, ईटीवी श्री राम चिन्ना केशलू, सीपीआई की रियासती सेक्रेटरी कोतागुड़म के खानसा एमएलए कोना नैनी सांबा शिवराव की सदारत में मुनक्कदा रामोजी राव यादगारी प्रोग्राम में मौजूद रहे. कोंडापुर सीआर फाउंडेशन नंदू स्वरम सुधाकर रेड्डी ने इसमें हिस्सा लिया और खिताब किया. तेलंगाना के नायब वज़ीर-ए-आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने महकमे पंचायत राज के अफसरान से कहा है कि वो देही इलाकों में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के मामले को बहुत संजीदगी से लें. उन्होंने पंचायत राज वजीर सीतका के साथ सेक्रेटरियट में बजट जायजा मीटिंग की. उन्होंने वजाहत की कि देही नौजवानों को रोजगार के बगैर बहुत सी मुश्किल का सामना है और अगर उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया तो मौशरे को नुकसान पहुंचेगा. बताया गया है कि फीस रिइंबर्समेंट स्कीम की दस्तियाबी की वजह से हजारों लोग बीटेक मुकम्मल कर चुके हैं और अपने गांव में रह रहे हैं, लेकिन जो लोग माली तौर पर काबिल हैं और जिनको इमदाद मिली है वो बैरून मुल्क आबाद हो रहे हैं. इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है. अल्लाह हाफिज़.